raising their demand for Scheduled Tribe or ST status, the All Adivasi Students Union Association of Assam or ASA held a demonstration in Delhi's Jantar Mantar today. Well, during their demonstration, the protesters alleged that the government has not listened to their demands. Talking to Northeast Live, protesters said that their community has been accorded ST status in other states in the country, but their demand has so far been ignored in Assam. हमारा आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य दावी है कि असम का जो आदिवासी है, जैसे कि उड़ाव, मुंडा, संताल, गौड़, खड़िया, लोहरा, पोर्जा, कोल, भील, जो भारत के अन्य राज्यों में ऑलरेडी उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया है, तो जल्द से जल्द असम का भी जो आदिवासी है उनको एसटी का दर्जा देने के लिए यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन किया है। इलेक्शन के पहले हर सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आने के पहले वो लोग प्रतिश्रुति करते हैं कि आदिवासियों को एसटी दिया जाए, लेकिन बार बार वो अपना जो प्रोमिस होता है उसको तोड़ देता है। इसलिए हम इस बार जोरदार से जंतर मंतर के ये प्रतिबद्ध स्थली से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आदिवासियों को एसटी नहीं मिलेगा असम में रहने वालों को, तो आंदोलन जबरदस्त होगा, तोड़फोड़ होगा, जोंगी होगा। हमारा मेन डिमांड है एसटी का, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, सब जगह में आदिवासी को एसटी दिया हुआ है, लेकिन अभी असम में दिया हुआ नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे धरना में बैठे हैं ताकि असम सरकार के पास आवाज़ जाए।